ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करना सिखाऊंगा। बच्चे हमेशा ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं और दूर भागते हैं। जैसे ही एग्जाम में पेपर आता है, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं तो कैसे हैं। अगर एंगल्स वाले रहते हैं या डिग्री फाइंड करने के रहते हैं तो वो सबसे पहले साइन 30, साइन 45, साइन 60 इसकी वैल्यूज को सप्लीमेंट्री के पीछे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं आज आपको आपके ही हैंड्स पे साइन 30, साइन 45, साइन 0, साइन 60 की वैल्यूज को निकालना सिखाऊंगी। आपको अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए, उसी पे आपको वैल्यूज को फाइंड करना। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको ये याद रखना, सिर्फ एक स्टेप आपको याद रखना है कि जब आप साइन की वैल्यूज को फाइंड करोगे तो आप क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे। अब जब आप कॉस की वैल्यू फाइंड करोगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, साइन की वैल्यू के बाद क्लॉकवाइज, और आपको कॉस की वैल्यू के बाद एंटी क्लॉकवाइज। आपको सिर्फ साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज को फाइंड करने की जरूरत है। कॉसेक, कॉसेक तो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का रेसिप्रोकल होता है। सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, देखिए सपोज आपको साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो, साइन में कैसे चलना है, क्लॉक वाइज, साइन जीरो, जीरो इसके आगे कोई भी आपकी फिंगर है नहीं है। इट मीन्स क्या है, आप जो भी वैल्यू ऊपर लिखोगे उसमें अंडर रूट लगाओगे और नीचे लिखोगे आप हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, टू, अंडर रूट जीरो बाई टू, मीन जीरो बाई टू, इट मीन्स जीरो। नाउ फाइंड कॉस जीरो, आपको याद रखना है कॉस में आपको क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। कॉस जीरो मीन्स पीछे जाना है, वन टू थ्री फोर, कितने फिंगर से पीछे, फोर, इट मीन्स अंडर रूट फोर अपॉन टू, अंडर रूट फोर, टू अपॉन टू, दैट इज वन। नाउ फाइंड टेन, टेन जीरो डिग्री, टेन याद रखना कि टेन हमेशा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, टेन इज साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो अपॉन वन इक्वल्स टू जीरो। आगे अपनी साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू। अब यहां पे आप कॉसेक की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, कॉस सेक की वैल्यू आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, टेन की वैल्यू आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे। अब आप नेक्स्ट आगे फाइंड करें, आपको साइन कॉस और टेन जीरो की वैल्यू फाइंड करना सिखाया। अब आप अपने आप साइन 30, साइन 60, साइन 90 की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। अब आप साइन 30, साइन 30 कैसे फाइंड करोगे, साइन 30, साइन 30 डिग्री, साइन में हमें कहां चलना होता है, क्लॉकवाइज, साइन 30, 30 के पीछे कितने फिंगर है, वन, तो आपको क्या लगाना है, सिर्फ अंडर रूट वन अपॉन टू, अंडर रूट वन अपॉन टू मीन्स अंडर रूट वन इज वन अपॉन टू। नाउ नेक्स्ट कॉस 60, कॉस 30, कॉस में हमें क्या चलना होता है, एंटी क्लॉकवाइज, कॉस 30 इसके पीछे की फिंगर्स, कितनी पीछे फिंगर्स है, वन टू एंड थ्री, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट थ्री अपॉन टू, आपकी वैल्यू आ गई कॉस 30 की। सेम आप टेन 30 की, 10:30 क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको 10:30 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो आप साइन 30 अपॉन कॉस 30 कीजिए। साइन 30 क्या है, 1 अपॉन 2, और कॉस 30 क्या है, रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट, 1 अपॉन अंडर रूट 3। इस तरीके आप साइन 30, कॉस 30 और 10:30 की वैल्यू आपने निकाल ली। अब नेक्स्ट आपको निकालना है 30 हो गया, आप किसकी वैल्यू निकालोगे, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू आपको सेम वही क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज मेथड को यूज करना है। हमेशा जो न्यूमरेटर में रखोगे वैल्यूज उसके ऊपर अंडर रूट लगाइएगा, और हमेशा डिवाइड किससे करोगे, अपॉन टू से, तो आप कीजिए अब साइन 45, साइन 45, साइन 45 मींस क्लॉकवाइज, हाउ मेनी फिंगर्स, टू, अंडर रूट टू अपॉन टू, अंडर रूट टू अपॉन टू, आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, अंडर रूट टू अपॉन, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इज अपॉन टू अंडर रूट टू, टू टू कैंसल मीन्स वन अपॉन अंडर रूट टू। नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट कॉस 45, कॉस मीन्स अगेन एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से कॉस 45 के पीछे कितनी फिंगर्स बची हैं आपकी,
2 means under root 2 upon 2. Now rationalize the numerator. Under root 2 upon under root 2. Under root 2 into under root 2 is 2. 2 into under root 2 is 2 under root 2. 2 cancel means 1 upon under root 2. Sin 45 value is 1 upon under root 2. Cos 45 value is 1 upon under root 2. Now find tan 45. Tan 45 means sin 45 upon cos 45. Sin 45 upon cos 45. Sin 45 is 1 upon under root 2. And cos 45 is 1 upon under root 2. Cancel comes 1. Clear sin 45. Now next, we have to find sin 60. Sin 60 means sin के clockwise. पीछे कितने finger है? येरा sin 60. Clockwise means how many fingers? 3 fingers. Means under root 3 upon 2. Now next. Cos 60. Cos means anti-clockwise. 60 के पीछे कितने finger है? 1. It means under root 1 upon 2 means 1 upon 2. Now find next. Find 1060. 1060 degree. 10 means what? Sin upon cos. Sin 60 degree upon cos 60 degree. It means under root 3 upon 2 upon 1 upon 2. 2 to cancel. It means value is under root 3. Clear? Sin 60 root 3 by 2, cos 60 1 upon 2, and 1060 is under root 3. Now we have to find sin 90 degree. Next, sin 90 clockwise, it is 1 2 3 4, under root 4 upon 2. Under root 4 is 2. 2 upon 2, that is 1. Next, cos 90 means anti-clockwise. cos 90, इसके पीछे कुछ भी वैल्यू है, कोई भी फिंगर है नहीं है, इट मीन्स अंडर रूट 0 अपॉन 2. अंडर रूट 0 upon 2 means 0. Now 1090 means sin 90 degree upon cos 90 degree. Sin 90 is 1 and cos 90 is 0. It is 1 upon 0. जब भी आपके denominator में 0 है, तो आपको लिखना है not defined. क्या है? इसकी value को define नहीं किया गया. Not defined. Okay, clear? Thank you.